tu cariño. होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। चोरी के मामले में कार्यवाही ना होने से नाराज पति और पत्नी ने रीवा थाना के सिटी कोतवाली में अनोखा विरोध किया। पति पत्नी आरती की थाली, शॉल और फूलमाला लेकर TI के चैम्बर में दाखिल हुए। उधर पुलिस की बेइज्जती होते देख पुलिस कर्मियों ने इन्हें थाने से बाहर कर दिया। अब सोशल मीडिया में इस मामले के वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अपराधियों पर कार्यवाही न करने के आरोप पुलिस अधिकारियों पर लगते ही रहते हैं। रीवा में भी एक ऐसा मामला सामने आया है, इसमें पुलिस 4 माह बाद भी आरोपियों को नहीं पकड़ सकी है। फरियादी ने भी शिकायत नहीं की है, लेकिन नाकामी पर ऐसा अनोखा तरीका अपनाया कि पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इसमें आरोपियों को न पकड़ पाने वाले TI की आरती उतारी गई। महिला 2 बच्चियों और पति को लेकर TI के चैम्बर में पहुंची। पहले TI चुप रहे, लेकिन जैसे ही उनकी नाकामी पर व्यंग किया तो वे भड़क उठे। सीधे महिला से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके पति को घसीट कर बाहर कर मोबाइल झपटने लगे। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनका ये रानी लक्ष्मी आप क्यों कहा कि इनका स्वागत करें? हर तू करी क्या हो गया? हर तू करी मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश व्यापी जो आप इसके माध्यम से देख रहे हैं, केवल केवल और केवल कानून की किताब में CRPC में लिखा है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो FIR में तब्दील होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि सिटी कोतवाली थाना की पुलिस है, महिला से एड़ी रगड़वाने के बाद, यानी लाडली लक्ष्मी से एड़ी रगड़वाने के बाद 26 दिन बाद मामला कायम होता है। और दूसरी बात, 408 के अपराधी को 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी जब गिरफ्तार करने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि मामला की विवेचना करनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब 26 दिन तक विवेचना की गई तो आदरणी ने कैसी विवेचना की जो रात को 26 दिन विवेचना की है और उसके बाद भूल गए। दरअसल यह पूरा मामला रीवा कोतवाली थाने का है। यहाँ पर अनुराधा सोनी अपने पति कुलदीप सोनी और 2 मासूम बेटियों के साथ थाने पहुँची। उनके हाथ में फूलों की माला, नारियल और आरती की थाली थी। अनुराधा सीधे TI JP पटेल के चैम्बर में पहुँचती है। जैसे ही वह आरती की थाली घुमाना शुरू करती है तो TI कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। पति कुलदीप और अनुराधा उनके गले में फूलों की माला पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन TI माला नहीं पहनाने देते। इतने में कुलदीप ने पुलिस की नाकामी बताना शुरू कर दी कि पहले तो आपने FIR नहीं लिखी, फिर जांच के नाम पर लटकाया। जैसे जैसे FIR की, अब भी कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। 3 महीने बाद भी आरोपी नहीं पकड़े जा सके हैं। अपनी बुराई सुनते ही TI गर्म हो गए। इसके बाद कुलदीप को पकड़ कर चैम्बर से बाहर करने लगे। बताया जाता है कि अनुराधा की ज्वेलरी की दुकान है। दुकान में काम करने वाले भाइयों ने 5 लाख रुपए की कीमती 20 किलो चांदी की हेरा फेरी कर दी। इसकी शिकायत 2 जनवरी को थाने में की गई। 26 दिन की जांच के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन आरोपी आज तक नहीं पकड़े जा सके। पता चला कि आरोपियों ने हाईकोर्ट से जमानत करा ली है। इस पर अनुराधा और कुलदीप ने TI की आरती उतारकर विरोध जताया। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, CCTV से सुरक्षित कैंपस,
हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।